हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। जैसे कि आप सब जानते हो, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका पूरा मतलब क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इसका प्रॉपर फॉर्मेट भी बता चुका हूँ, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए पहले ज़रूर देखिए। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कुछ क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं अगर कभी अकेले पूछे जाए। ऐसी आज मैं बात करूँगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के कुछ कॉन्सेप्ट पे। कभी कभी बोर्ड में बड़ा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आपको फॉर्मेट नहीं पता, तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक बार ज़रूर देखें। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताती है हमारे जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उनसे पूरे साल में हमें क्या मिला, यानी कैश का क्या फ्लो रहा, कितना कैश आया और कितना कैश गया, यह हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताती है बेटा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए एक चीज़ जो आपको सीखनी है वो है एसेट्स अकाउंट। वही एसेट्स अकाउंट जो 11th में हम लोग डेप्रिसिएशन के समय बनाते थे। तो मैं आपको जल्दी से फटाफट से एक रिवाइज करा देता हूँ। जब हम एसेट्स अकाउंट बनाते थे तो हम क्या करते थे बेटा, आपको ध्यान होगा हम लिखते थे एसेट्स अकाउंट और कुछ इस तरह से हमारा फॉर्मेट हुआ करता था। मैं डेट का कॉलम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अब क्वेश्चन में डेट नहीं है, वरना हम डेट भी बनाते थे। जब भी आपको एसेट्स दिया होगा हमेशा याद रखना बेटा इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है, बिकॉज एसेट्स हमारे एसेट्स है और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है और इसका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है। तो ये बात तो पहले आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा ओपनिंग डेबिट और क्लोजिंग क्रेडिट। उसके बाद हम देखो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, हम अपने एसेट्स को या तो बेचते हैं या खरीदते हैं। आपको याद होगा अगर हम एसेट्स को बेचेंगे तो बेचने की एंट्री क्या होती है, खरीदेंगे चलो पहले तो खरीदने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, याद है ये तो, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, एंट्री होती है एसेट्स डेबिट टू बैंक। तो जब भी हम एसेट्स खरीदेंगे एंट्री होती है एसेट्स डेबिट टू बैंक, यानी एसेट जब भी खरीदेंगे एसेट्स अकाउंट में डेबिट आएगा, किस नाम से, बैंक के नाम से। तो हमेशा याद रखना जब भी आप एसेट्स खरीदोगे टू बैंक, ये हमारी परचेज है। अगर आपको याद हो 11th में हम ऐसे ही एसेट्स को खरीदते थे, याद है, या हम एसेट्स को बेचेंगे तो एंट्री होगी बेटा हमारे पास पैसा आएगा बैंक डेबिट टू एसेट्स। हम कैश भी कर सकते हैं बैंक टू एसेट्स, यानी अगर एसेट्स को बेचेंगे तो एसेट्स क्रेडिट साइड में आएंगे, तो इसलिए जब भी एसेट्स बेचे जाएंगे बाय बैंक के नाम से बेचे जाएंगे, ये हमारी क्या मानी जाएगी, सेल मानी जाएगी। बिल्कुल 11th की तरह से खरीदना या बेचना या। इसके अलावा हमारा डेप लगेगा। अब डेप से भी क्या होगा, देखो एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो डेप की जो एंट्री अगर हम याद करें तो एंट्री थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी जब भी डेप लगेगा तो भी एसेट्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, तो इसलिए हम डेप का लगाते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो खरीदेंगे यहाँ, बेचेंगे यहाँ, डेप यहाँ लगाएंगे, क्लियर। अब बात आती है जब हम इसे बेचेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, है ना। तो अगर हमें लॉस होगा तो लॉस होने पे एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एसेट्स, है ना। लॉस हमारे हमेशा डेबिट में आते हैं, जब भी लॉस होगा तो एसेट्स कहाँ आएगा, फिर से क्रेडिट साइड में आएगा, इसलिए लॉस भी यहाँ आएगा बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग लॉस बोलेंगे। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आते हैं, तो प्रॉफिट की एंट्री होगी एसेट्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट जब भी होगा तो एसेट्स का आएगा डेबिट में आएगा, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम बोल सकते हैं प्रॉफिट। बस ये बातें दिमाग में डाल लीजिए। वैसे भी आपको पता है एसेट्स जब भी बढ़ता है हमेशा डेबिट में आता है। एसेट्स दो वजह से बढ़ेगा, या तो खरीदोगे या फायदा होगा। एसेट्स जब भी कम होता है क्रेडिट साइड में आता है। एसेट्स कम क्यों होगा, या तो बेचेंगे तो हमारे पास से जाएगा, डेप लगेगा और लॉस बनेगा। तो ये पहली बात एसेट्स अकाउंट है, इसको आप सभी प्लीज़ 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 दिमाग में डाल लीजिए, इसके बिना हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो ही नहीं सकती है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से, तभी रिवाइज करा दूँ। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर जरूर देख लीजिए, जहाँ मैंने प्रॉपर फॉर्मेट में समझाया है। वैसे इसमें क्या आता है, सारे नॉन करंट एसेट्स हैं, हम बारी बारी सारे नॉन करंट एसेट्स को पढ़ेंगे, उससे पैसा आया होगा तो ले लेंगे, गया होगा तो ठीक है। हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। हमसे केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहा है। आप बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर आपको
किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट दे रखा है किसी भी एसेट्स को खरीदने बेचने या उसकी लॉस या उसका प्रॉफिट या उसकी डेप्थ, ये कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी है तो उसका अकाउंट बनेगा। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं सर कब अकाउंट बनाना है कब नहीं बनाना, सिंपल बता रहा हूँ आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन में एसेट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे खरीदने की बेचने की डैप लगाने की प्रॉफिट की लॉस की, तो आपको अकाउंट बनाना है। हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें हमें पहली मैं पहले इंफॉर्मेशन से ही शुरू करता हूँ। हमें सबसे पहले कह रखा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट held in the beginning of the year were sold at 10% profit। हमें छूटते ही उसने बोला कि हमने अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट पे बेचा है, यानी इसने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी है। तो हम तुरंत ही वर्किंग नोट्स में जाएंगे बेटा, तुरंत लिख देंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जल्दी से हम लोग एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खींच लेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले क्या आएगा बेटा सर, सबसे पहले आते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, हम ध्यान से देखते हैं, ज़्यादा बड़ा अकाउंट नहीं है इसलिए हमने छोटा सा अकाउंट बना लिया बेटा। हमने इन्वेस्टमेंट्स को देखा तो आपको इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यू दे रखी है, एक 2020 में एक 2019 में। तो 19 वाली ओपनिंग वैल्यू है, तुरंत आपने लिखा टू बैलेंस बीडी। मैंने आपको बताया था ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है, आपने कहा जी साल की शुरुआत में ये 5 लाख का था और साल के एंड में यानी कि बाय बैलेंस सीडी सर साल के लास्ट में ये 10 लाख का था। क्लियर, अब क्या एक्टिविटी हो रही है देखिए, इसने कहा देखो हाफ इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टिंग में थे उसको हमने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। अगर मैं ध्यान से क्वेश्चन में देखूं तो स्टार्टिंग में मेरे इन्वेस्टमेंट 5 लाख के थे, है ना, इस लैंग्वेज से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को। इसने कहा जी शुरू में जितने के भी इन्वेस्टमेंट थे ना, पहली बात तो आपने उसके आधे बेच दिए, तो 5 लाख के आधे 2.5 लाख, तो आपने क्या किया, आपने 2,50,000 के इन्वेस्टमेंट बेच दिए, वो भी इसने क्या बोला 10% के प्रॉफिट पे। तो इसका 10% होता है 25,000, यानी आपने 2,75,000 में अपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए। और मैंने क्या कहा था जब भी इन्वेस्टमेंट बेचेंगे क्या होगा क्रेडिट में, तो तुरंत आपने लिखा बाय बैंक अकाउंट, हमने बेच दिए। कितने में बेचे सर, 2,75,000 में बेचे। फिर हम लोगों को बेचने में प्रॉफिट हुआ है ना, कितना प्रॉफिट हुआ हम लोगों को बेटा 25, प्रॉफिट कहाँ आते हैं इधर डेबिट में, तुरंत आपने लिखा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हमने क्या मान लिया है प्रॉफिट मान लिया है। कितना प्रॉफिट हुआ है सर, हमें प्रॉफिट हो रहा है 25,000 का, हमको 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसने हमसे कहा बस सर इन्वेस्टमेंट के बारे में सर इसने हमसे कुछ और नहीं कहा है, लास्ट में इंटरेस्ट के बारे में बोला है और इंटरेस्ट तो यहाँ आती नहीं है। अब देखिए जब क्वेश्चन शांत हो जाए तो अब हमें देखना है कि क्या बैलेंस आ रहा है। हमने बैलेंस देखा तो सर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये है 10,12,75,000 और यहाँ भी आ गया 12,75,000। और आप ध्यान से देखें तो हमारी डेबिट साइड कम है, कितने से कम है सर, 1275 में से 25 चला गया 1250 बचा, 1250 में से 5 चला गया 750, यानी 7,50,000 का इधर हमारा बैलेंस आ रहा है। अब ये बताओ डेबिट साइड में क्या बच रहा होगा, इसका मतलब हमने परचेज किया होगा, है ना। तो डेबिट साइड में अगर बैलेंस बच रहा है तो हम इसको मान लेंगे परचेज, हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट डैश लगा के परचेज, हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट खत्म। तो आपको जो क्वेश्चन कह रहा है बस वही करना है, उसके बाद बैलेंस निकालना है। मैं आगे पढ़ता हूँ एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो इसने मुझे बताया डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने कहा था अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हो तुरंत अकाउंट बनाएंगे तो तुरंत आप वर्किंग नोट्स में दूसरा अकाउंट बनाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। फटाफट से हमने लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट खींचा, वही बात सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख का, तुरंत आपने लिखा टू बैलेंस बीडी 9 लाख का हमारा ओपनिंग बैलेंस है। और क्लोजिंग बैलेंस हमको दे रखा है 15 लाख का, आपने लिखा बाय
बैलेंस सीडी, सर क्लोजिंग बैलेंस है 50 लाख। फिर बोल रहा हूँ आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन जो कह रहा है करते जाओ, क्वेश्चन इसमें से कुछ और नहीं बोलेगा आपसे। क्वेश्चन ने कहा लैंड और बिल्डिंग पे गैप लगाए, तो गैप कहाँ आता है, इधर। तुरंत आपने कहा जी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना डेप लगा है सर, डेप्रिसिएशन लगा है 50,000। क्लियर, 50,000 का हमारा डेप लगा है और क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा। फिर हम बैलेंस निकालते हैं, तो अगर हम बैलेंस देखें तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, देखो इधर 15,50,000 है, 15,50,000, 1550 में से 9 चला गया, कितना बचा सर 6,50,000। तो 6,50,000 का हमारा बैलेंस आ रहा है। वही बात बेटा, यहाँ पे बैलेंस किसका आ सकता है, देखो या तो परचेज हो सकती है या प्रॉफिट। अब कुछ तो हमने बेचा ही नहीं है, तो प्रॉफिट किस बात का, यानी कि परचेज ही होगा। तो यहाँ भी हमें क्या मिल के आ गया, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ भी हमें क्या मिला, परचेज मिली। ठीक, इसके अलावा सर और कुछ हमारे अकाउंट्स बनने ही नहीं है, बिकॉज दोनों एसेट्स के अकाउंट हम बना चुके हैं। अब हमें क्या क्या मिल रहा है, चलो पहले पकड़ते हैं इन्वेस्टमेंट्स को। इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले मुझे क्या मिला, सेल, मैंने कुछ सामान बेचा। अब ये बताओ जब मैं सामान बेचूंगा, एसेट्स बेचूंगा अपना, तो पैसा आएगा कि जाएगा, डेफिनेटली सर हम सेल करेंगे तो हमारे पास इनफ्लो होगा। तुरंत आपने लिखा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स सर 2,75,000 रुपीज हमारे पास आ रहे हैं। वहीं पे मैंने इन्वेस्टमेंट को देखो ध्यान से परचेज भी किया है, तो परचेज किया हुआ तो मेरे पास से आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है। तुरंत आपने लिखा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट सर, परचेज करने आउटफ्लो होता है, हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो आपने कहा हमारे पास से कितना पैसा जा रहा है, 7,50,000 आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है। बाकी देखो मुझे प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें प्रॉफिट लॉस नहीं लिखना होता है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, डील करते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, केवल एसेट्स को बेचना खरीदना। ठीक है, चलिए अब आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो हमने बिल्डिंग को परचेज किया है, परचेज किया है तो पैसा मेरे पास से किया है आउटफ्लो है। तुरंत आपने लिखा परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, हमने परचेज किया है सर, तो यानी मेरे पास से पैसा चला गया होगा 6,50,000। क्लियर, और अब ध्यान से देखिए बेटा, तो हमें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या रखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है। बहुत कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है यानी कि वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उससे मुझे कोई इनकम हो रही है, तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को भी हम हमेशा लेते हैं, बिकॉज ये हमारी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मुझे कितनी इनकम हुई है सर, मुझे इंटरेस्ट मिली है 75,000, ये मेरा इनफ्लो है, मेरे पास पैसा आया है। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं हो रहा, तो बस हमें यही देखना है कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। लास्ट में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास से पैसे का आउटफ्लो कितना हुआ सर, 7,50,000 और 50 चला गया, 8 और 6, 14, 14 लाख तो मेरे पास से पैसा गया माइनस के। ठीक है, कितना हो गया सर, 275 और 75, यानी 3,50,000। तो 3,50,000 मेरे पास आया, कितना डिफरेंस हो गया सर, 0,0,0, देन 0, देन 5, देन 0, देन 10,50,000। सो 10,50,000 मेरा नेगेटिव बैलेंस है बेटा, माइनस। तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है मेरे पास से ये पैसा गया है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कैश यूज्ड इन, है ना। जब भी कोई माइनस में आता है तो हम लिखते हैं यूज्ड इन, बिकॉज हमने अपनी एक्टिविटी से क्या किया है, पैसा यूज किया है, मेरे पास आया नहीं है, उल्टा खर्च किया है। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इस तरह से हम एक नॉर्मल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का।
चलिए इस कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और हम मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जाइए वर्किंग नोट्स में, अगर किसी भी एसेट्स के बारे में कुछ भी कह रखा है तो अकाउंट बनाना है। सबसे पहले इसने कहा भाई प्लांट और मशीनरी हमने डेप लगाया, तो तुरंत हम गए वर्किंग नोट्स में, हमने कहा जी हमें प्लांट और मशीनरी के बारे में कुछ कह रखा है। क्या कह रखा है, मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज मुझे बनाना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तुरंत मैंने देखा वो क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आता है एसेट्स के, तुरंत आपने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने देखा जी हमारा प्लांट जो है, प्लांट और मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 8,50,000 और बाय बैलेंस सी डी, और इसी का प्लांट मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस है 10,00,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे गैप लगनी है, गैप कहाँ लगती है, क्रेडिट साइड पे। तुरंत आपने कहा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी डेप लगी प्लांट मशीन पे, सर प्लांट मशीन पे डेप लगी है 50,000 रुपीज। ठीक, फिर से हमसे कहा भाई प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000। हमारे पास एक प्लांट मशीनरी थी, एक मशीन थी 60,000 की, उसको आपने 40,000 में बेच दिया है, तो सेल क्या करते हैं क्रेडिट साइड में। तुरंत आपने कहा बाय बैंक अकाउंट, ये हमारी सेल है, हमने सेल कर दिया 40,000 में। अब आपको 60,000 की चीज, जब भी आपको सेल करो ना हमेशा ध्यान रखो सेल करने से फ़ायदा है क्या नुकसान ही देखना पड़ेगा आपको। तो आपने सेल किया है 60,000 की मशीन को 40 में, यानी 20,000 का लॉस हो गया, और लॉस देखो आप कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तुरंत आपने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ और कह रखा है, नहीं सर कुछ ही नहीं कह रखा, तो बैलेंस निकालते हैं। फिर से वही देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, आपने कहा 10,00,000 और 10,50,000, 10,90,000, 11,00,000, 10,000, ओके, और आपने कहा 11,00,000, 10,000, 11,00,000 में से आपने माइनस किया 850, 11,00,000, 10,000 माइनस 8,50,000, आपको करके बताना पड़ता है बेटा। आपने कहा था 0,0,11 में से 5 गया, दैट इज 6 and 2, दैट इज 2,60,000। तो 2,60,000 जो हमारा बैलेंस आ रहा है उसे क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, सर वो कंसीडर होगा टू बैंक अकाउंट, यानी क्या माना जाएगा उसको, परचेज माना जाएगा। ठीक है चलिए, अब इस अकाउंट से क्या मिला हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं। देखो हमें सर केवल इस पूरी भीड़ से किसी से मतलब नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल और केवल हमें मतलब है सेल और परचेज से। आपने सेल किया 40 का, तुरंत आपने कहा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब सेल करने से हमारे पास पैसा आता है, इनफ्लो होता है, तो आपने कहा हमने सेल किया है 40 का, हमारे पास पैसा आ गया। देन हमने परचेज कितना किया 260 का, आपने कहा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बच्चे बोलते हैं सर डैप वैप कुछ नहीं करना, डैप वैप सब हमारे लिए बहुत काम की हैं, पर इस एक्टिविटी में काम की नहीं है। जब मैं परचेज कर रहा हूँ तो मेरे पास से पैसा जा रहा है सर आउटफ्लो। चलिए बस यही दो चीज़ काम की थी। फिर हमें एक एसेट दे रखा है लैंड, उसके बारे में नीचे क्या रखा है कि हमने उसको प्रॉफिट पे बेचा। तो मैंने क्या कहा था, इन सारी घटनाओं में से कोई घटना है तो अकाउंट बनेगा। तुरंत आपने यहाँ पे बना दिया लैंड अकाउंट, वही काम सबसे पहले सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर हम देखें लैंड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 2,00,000 रुपीज का, सबसे पहले यही काम करना है आपको, है ना, बाय बैलेंस सी डी 1,00,000, इसका क्लोजिंग बैलेंस है 1,00,000, सबसे पहले हमें यही करना है।
नीचे इसने हमें क्या कहा था भाई, हमने प्लांट को सोल्ड किया प्रॉफिट पे, तो इसने इन सारी इंफॉर्मेशन में मुझे क्या दे रखा था, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ था, डेबिट में। जो ये कह रहा है चुपचाप से लिख दो, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट है हमारा। प्रॉफिट इसने बताया कि जी बेच के हमें प्रॉफिट हुआ 60,000, बस। इसने कोई और इन्फॉर्मेशन हमें दी ही नहीं, हमें चाहिए भी नहीं, बस क्वेश्चन खत्म। अब बैलेंस निकाल दो, सर ये आ गया 260,000। सर बैलेंस आ रहा है यहाँ पे 260 में से 1 चला गया, ये तो करके नहीं दिखाना पड़ेगा, तो आता ही आपको 1,60,000। इसको बोलेंगे बाय बैंक अकाउंट, यानी हमारा क्या हो गया, सेल। यहाँ पे हमने सेल निकाल लिया। अब सेल से पैसा आता है जाता है, सर आता है, तो तुरंत लिखा आपने सेल ऑफ लैंड, सर ये इनफ्लो है, पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है सर, 1,60,000, ठीक है सर। हो गया प्लांट मशीनरी, हो गया लैंड, हो गया। फिर नीचे क्या रखा है, नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब हमें इन्वेस्टमेंट का अकाउंट नहीं बनाना, बिकॉज वो कह रहा कुछ बेचा ही नहीं है, ना उसने कुछ बेचा ना बाकी किसी एक्टिविटी के बारे में कह रखा। तो अब हम अंदर जाएंगे, क्योंकि प्लांट मशीनरी को हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, बिकॉज प्लांट मशीनरी का जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, केवल ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, तो हमने वो तो सब कुछ कर दिया। अब बस हम इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। इन्वेस्टमेंट पिछले साल बेटा 40,000 के थे, इस बार 1,00,000 के हो गए, तो इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ गए होंगे बेटा। इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़े होंगे, हमने खरीदे होंगे, कॉमन सेंस की बात है, इस पर एप्रिसिएशन तो लगता नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट खरीद लिए हैं। तो हमने परचेज किया, तो हमने लिखा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है। कितना परचेज किया है सर, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना फ्लो बढ़ रहा है, 60,000। तो 60,000 हमारी जेब से पैसा क्या, हम इस चैप्टर में यही तो देख रहे हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा क्या, बस सर हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास पैसा आया कितना है सर, 160 और 40, यानी 2,00,000 रुपीज तो मेरे पास आए हैं। पैसे गया कितना पैसा है सर, सर 260 और 60, यानी 320 मेरे पास से आउटफ्लो हुआ है। तो 320 आउटफ्लो है, 2,00,000 आए हैं, यानी 1,20,000 का नेगेटिव बैलेंस है, यानी मैंने पैसा यूज किया है। फटाफट लिख देंगे कैश फ्रॉम कौन सी एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक। तो आई होप बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मेन काम है इसके अकाउंट्स बनाने। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आई होप आपको आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, नहीं समझ आई दोबारा देखिए, कोई प्रॉब्लम होती है मैं हमेशा बोलता हूँ मुझसे पूछिए, और मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।